दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय हीरा बैंकेट हॉल फुली एयर कंडीशनर एट सैयद अली चबूतरा नियर शाहगास होटल। आप सबका इस्तकबाल A18 तेलंगाना न्यूज पर। मुश्ताक के 4 खातिलों को गिरफ्तार किया गया है। तफसलात के मुताबिक हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार IPS ने मीडिया से बात करते हुए राउडी शिटर मुश्ताक के कत्ल के केस के सिलसिले में 4 मुजरिमों को गिरफ्तार किया गया है। इस ताल्लुक से उन्होंने सारी तफसलात बताई। आइए नाज़रीन देखते हैं ये खास रिपोर्ट। हमारे नुमाइंदे सीनियर रिपोर्टर इमरान खान और कैमरामैन शौकत की ये खास रिपोर्ट पेश है। हर अहम खबर से बाखबर रहने A18 तेलंगाना न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट A18 तेलंगाना न्यूज़। हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से बोनालू की शुभकामनाएं। जैसा आप लोग जानते हैं, हैदराबाद सिटी में जगदम्बा महाकाली गोलकुंडा फोर्ट में, उज्जैनी महाकाली सिकंदराबाद में और सीमा वाहिनी महाकाली लाल दरवाजा ओल्ड सिटी में पूजा और सेलिब्रेशन अभी चल रहा है। इसी तरीके से हमारे मुस्लिम भाई और बहन ईद उल अधा यानी बकरीद का सेलिब्रेशन भी कर रहे हैं और हैदराबाद में जो गंगा जमनी तहजीब की मिसाल हमेशा से रही है उसके मर्यादा के तहत सभी कम्युनिटी पूरे शहर इस दोनों फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस विषय में हमारे तरफ से एक सजेशन भी है कि अगर किसी को कोई शिकायत है तो वो डायल 100 पे फोन करें, लोकल पेट्रोल ऑफिसर्स को बताएं, ब्लू कोल्ड को बताएं, लोकल SHO ACP DCP को बताएं और हम लोग फौरन उस पर एक्शन लेंगे। लेकिन किसी भी हाल में लॉ एंड ऑर्डर कानून को अपने हाथ में लेने का इजाजत किसी को नहीं है। इससे बात गड़बड़ होता है और हम लोग इसकी इजाजत नहीं देंगे। आज इस प्रेस मीट में ईस्ट जोन के तरफ से 2 इम्पॉर्टेंट जो डिटेक्शन ऑफ क्राइम हुआ उसमें एक सेंसेशनल मर्डर केस जिसमें राउडीज का इन्वॉल्वमेंट था और जॉइंट CP ईस्ट जोन रमेश रेड्डी के लीडरशिप में सभी अक्यूज्ड रिकॉर्ड टाइम में अरेस्ट हुए और उसके बाद रिकवरी ऑफ सेलफोन स्नैचिंग का जो केस था वो भी 24 आवर्स में डिटेक्ट हुआ। जैसा कि आप जानते हैं अभी मॉनसून का जो महीना है इसमें बहुत बारिश हो रही है और हमारे ट्रैफिक डिपार्टमेंट के तरफ से लॉ एंड ऑर्डर के साथ मिलकर 24 आवर्स पब्लिक सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे हैं। लगभग 16 प्लेसेस 16 जगह ऐसे हैं जहां लो लाइंग एरिया है, वहां पे बारिश होने से पानी जमा होता है और वहां पे हमारे ऑफिसर्स 24 आवर्स शिफ्ट सिस्टम में काम कर रहे हैं। इसमें आप लोगों से पब्लिक से रिक्वेस्ट है कि खास करके ऐसे एरिया में जहाँ थोड़ा वाटर लॉगिंग होता है गाड़ी लेकर नहीं जाएं, उससे ट्रैफिक भी ज़्यादा जाम होता है और आपको स्लिप करने का भी चांस है। इसके साथ आज ऑपरेशन मुस्कान, जैसा कि आप जानते हैं ये नेशन वाइज साल में 2 बार ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन स्माइल और ऑपरेशन मुस्कान। तो ऑपरेशन मुस्कान के तहत 1 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक हैदराबाद सिटी में 272 बच्चों को अभी तक रेस्क्यू किया गया है जिसमें बहुतों को उनके पेरेंट्स के पास और कुछ को रेस्क्यू होम के पास भेजा गया। आज आप लोगों से हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से ट्रैफिक विंग के तरफ से खास करके कोरोना पीरियड में जो ऑर्गन डोनेशन का एक डिमांड आता था वो उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और कंट्री में जैसा कि आप जानते हैं हैदराबाद सिटी एक मेडिकल और हेल्थ कैपिटल है। यहाँ हर बड़े बड़े शहर से भी लोग ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। तो लाइव ऑर्गन डोनेशन और ट्रांसपोर्टेशन में अभी तक 17 केसेस जिसमें कि ऑल ग्रीन चैनल बताकर रिकॉर्ड टाइम में एयरपोर्ट से हॉस्पिटल शिफ्टिंग ऑफ ऑर्गन्स का काम हमारे ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स ने किया है। आज हमारे विमेन पुलिस ऑफिसर्स जो नए बैच के आए हैं, पिछले 2 सालों से तेलंगाना गवर्नमेंट में जो एक स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव चल रहा है जिसके तहत हर टोटल वैकेंसी का 30% विमेन ऑफिसर्स के लिए रिजर्व है, उसके तहत नए विमेन ऑफिसर्स पुलिस ऑफिसर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का ड्यूटी हो, रोड
रोड पर किसी दूसरे किस्म का ड्यूटी हो, रात में, दिन के वक्त, बारिश के समय, सब बहुत अच्छा ड्यूटी कर रहे हैं। और इसीलिए उनको एनकरेज करने के लिए कुछ ऑफिसर्स जिनके बारे में बहुत अच्छा फीडबैक मिला, आज उनको हम लोग रिवॉर्ड भी देंगे। हमारे आईटी सेल के तरफ से एसीपी राजा वेंकट रेड्डी साहब के लीडरशिप में जो हॉकआई एप्लीकेशन है, हॉकआई के तहत लॉस्ट टेलीफोन को ट्रेस करने का भी सिस्टम है उसमें आईएमईआई सिस्टम के द्वारा, तो आज हमारे कुछ रिसीवर्स भी आए हैं जिनको कि दिया जाएगा। और सबके तरफ से पब्लिक को एक मैसेज कि अगर आपके पास किसी कारणवश आपका सेलफोन गुम हो गया तो आप हॉकआई एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। थैंक यू। पुलिस तरफ नुंची राउडी कंट्रोल मैकेनिज्म लो पीवी एक्ट की चला इंपॉर्टेंट रोल होंगी। जनवरी नुंची 15th of July इपड़ वर की 21 राउडीज पीडी एक्ट लो चंचलगुड़ा जेल लो उन्नारो। ఈ సందర్భంలో సెంట్రల్ జోన్ నుంచి 3 మెంబర్స్, ఈస్ట్ జోన్ 2 మెంబర్స్, నార్త్ జోన్ 3 మెంబర్స్, సౌత్ జోన్ 9, వెస్ట్ జోన్ 4 ఈ అండర్ రౌడీస్ పీడీ యాక్ట్లో లోపల జైల్లో ఉన్నారు। ఇదే విధంగా ప్రెసెంట్లీ 31 రౌడీస్కి పీడీ యాక్ట్ ప్రిపరేషన్ జరుగుతుంది। రికార్డ్ ఒక రూల్ ప్రకారం కొన్ని డాక్యుమెంటేషన్, కొన్ని లీగల్ ఫార్మాలిటీస్ ఉన్నాయి, సో ఈ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది। అండ్ వెరీ సూన్ ఇది రిమైనింగ్ 30 కూడా పీడీ యాక్ట్లో జైలుకి వెళ్తారు। సో దిస్ ఈజ్ ఎ వార్నింగ్ ఫ్రమ్ సిటీ పోలీస్ టు ఆల్ ద రౌడీస్ దట్ మీ అందరికి యూ షుడ్ బీ లైక్ ఎ నార్మల్ సిటిజన్, లేకపోతే వి విల్ బీ वेरी हार्श ऑन यू। केसेस लो बेल वस्ते वी विल बी अपोजिंग द बेल ऑल्सो एंड श्योरिटीज अमाउंट कूड़ा फॉर फीचर ऑफ श्योरिटी अमाउंट कूड़ा प्रोसीडिंग्स कूड़ा कोर्ट लो पेड़ता हूं। मना पब्लिक तरफ नुंची कूड़ा एनी कंप्लेंट 9490616555 ఈ నంబర్లో వాట్సాప్ చేయండి। రౌడీ పేరు, పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్ అండ్ ఎనీ ఇన్సిడెంట్ ఏం జరిగింది, ఇమీడియట్లీ వి విల్ టేక్ యాక్షన్। సో నౌ నేను ఐటీ సెల్ ఏసీపీ గారు రాజా వెంకట గారికి రిక్వెస్ట్ చేస్తాము, లేకపోతే ముందు హిందీలో చెప్పాలి। ఎం రమేష్ కుమార్, मोहम्मद अमन, यासीन फुरकान, अभिषेक टी, नरेश पुरमया, अंसारी मोहम्मद फारूक, आयशा मोहम्मद, प्रसाद महेश, మీరు అందరూ కూడా ఒకసారి గ్రూప్ ఫోటో కోసం హలో సార్ మహేష్ ఒక గ్రూప్ ఫోటో కోసం అందరూ వచ్చింది। మీరు అయిపోతామండి।
Okay, thank you.